परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने पिछले साल धूमधाम से शादी की। ये कपल काफी सालों से एक दूसरे को जानता था और फिर दोनों ने जिंदगी भर साथ चलने का वादा कर लिया। लेकिन अब राघव की जिंदगी में काफी मुसीबतें आ रही हैं। राघव चड्ढा जो इस वक्त अपनी आंखों के इलाज की वजह से लंदन में है, उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं। राघव की पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का कहना है कि उन्हें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो या तो भाजपा ज्वाइन कर ले, नहीं तो अगले महीने उनके घर पर ईडी भेजी जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने यह भी बताया कि भाजपा का अगला टारगेट आपके बड़े चार नेता हैं, जिनमें खुद आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। इस खबर के सामने आते ही एक्ट्रेस के फैंस घबरा गए हैं और वे नहीं चाह रहे कि परिणीति के साथ कुछ भी गलत हो। ट्विटर पर राघव चड्ढा ट्रेंड भी होने लगे हैं। आपको बता दें, परिणीति और राघव ने पिछले साल 24 सितंबर को राजस्थान के उदयपुर के लीला पैलेस होटल में करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शादी की थी। इसमें मनोरंजन उद्योग के कई जाने माने चेहरे और राजनेता शामिल हुए, लेकिन इस शादी में प्रियंका चोपड़ा नहीं पहुंची थी। प्रियंका और परिणीति में पहले काफी बना करती थी। प्रियंका के हर सुख दुख में परिणीति खड़ी रहती थी, लेकिन जब से प्रियंका ने परिणीति की शादी से दूरी बनाई, तब से परिणीति भी प्रियंका से दूर दूर ही रह रही है। हाल ही में प्रियंका परिणीति की कजिन मनारा का बर्थडे था, लेकिन एक ही शहर में होने के बावजूद परिणीति ने मनारा की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की, जबकि उस पार्टी में प्रियंका और निक दोनों मौजूद थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।